मैं अपने मुसलमान भाइयों की सहूलत वास्ते एक ही गली च महल च रहने, एक शहर च रहने, एक मुल्क च रहने, गुजारा पर करने हैं, तो मैं पीर दी निशानियां लिखी बनावी पीर ओ बंदे जेड़ा रब दा वली होवे भाई नारे दी जिथे जा ही उथे आ मल बनावी याद कर लो बड़ी मेहरबानी सोनी निशानी ना अर्ज किया बनावी पीर ओ बंदे आ जेड़ा रब दा वली होवे अरश जैंदा मकान होवे जन्नत जैंदी गली होवे फिर मैं आप ही सोचा मता भाई नजर है कोई मुसलमान आके शुमारी आया सैयद भी आए लाकर भी आए मिंबर भी मिलता रहे कुरान भी पढ़ता रहे पीर दियां निशानियां लिखिया नी मगर थोड़ियां फिर मैं कुरान का मुताला किया कुरान चू पीर दियां निशानियां मिल गई आओ मैं दसा पीर कैसा होना चाहिए किवें भाई नमाज पढ़े ना नमाज कायम करे जो पढ़ते हैं उनकी भज जाती है जो कायम करते हैं उनकी टूटती नहीं है पीर ऐसा होना चाहिए जरा नमाज कायम करे रुकू बिच जावे जदा रुकू बिच जावे दरवाजे ते सवाली आए सवाली कुछ मंगे पीर हालते रुकू बिच अंज करे अल्लाह नू कसीदा पढ़ना पै जाए इन्ना मा वली हुक्म अल्लाह व रसूलहू अल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युकीमून अस्सलाता व युतून अज़्ज़काता व हुम राकिऊन मंगी दाद दीती ला जी शेर सुन ले गुलाम रजा जी खसूसी तौर पर मैं शेर जनाब दें फिर मैं सोचा मते नजरबाज कोई मुसलमान आके शुमारी वाला वक्त भी किते ही पीर दी निशानियां भी लिखी नहीं पर थोड़िया कोई अहले हदीस भाई भाई पीर दी निशानी कोई हदीस फिर मैं सीरत रसूल पढ़ी फिर जुमाने मुस्तफा चू पीर दी निशानी दे तौर पर हदीस मिल गई फिर कुरान का मुताला किया फिर कुरान चू आयत मिल गई सिर चाओ तो दसा पीर कैसा होना चाहिए किवें भाई बदगी
मिसरा वध पड़ अगले मिसरे का बड़ी मेहरबानी पीर कैसा होना चाहिए जेल च ख्याल आया मत कोई मुसलमान आके निशानियां थोड़ियां निशानियां निशानियां थोड़ियां फिर मैं हदीसे रसूल सकलैन दा वाल पीर ऐसा होना चाहिए पीर ये तुहाडा काम पीर ऐसा होना चाहिए है कुंज लैने महसूस न करे पीर ऐसा होना चाहिए गल केडी लतीफ है कितने बंदे सवाद लेंदे पीर ऐसा होना चाहिए है पीर साडे इलाके जिहड़े बंदे गल चंगी रोह वाली करना तुम घुटदे न गल पीर पीर तुहाडी रुबाई तदाद दित्ती जमलत पीर ऐसा होना चाहिए है पीर ऐसा होना चाहिए है जिहड़ा कदी कदी मैदान भी जावे के पीर ऐसा होना चाहिए है जिहड़ा कदी कदी मैदान भी जावे अपनी जिंदगी का एक दकीका इस्तेमाल करके हाथ की तलवार लेके दुश्मन खुदा और दुश्मन रसूल दे सर ते छड़ा अंज करे ते पाक नबी नूं आखना पै जाए ज़रबतु अली अन फी यौम अल खंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन जंदे इक बार दे बदले दुले सकेला मिसरे का मवाला किया है दारी लो जी इस मिसरे तदाद बड़ी होगी जरा मिसरा खसूसी तौर पर मैं पेश करना चाहना अगले मिसरे तक गौर करना है पहला मिसरा फिर सुनो कि भाई फरमाइशा जो की होगी टाइम थोड़ा हम समझ नहीं करिए की भाई गल जे कितने बज के दस मिनटा तो तुम मैं देना टाइम ग्यारह बज के दस मिनट उन्होंने चुप रहो थोड़ा काम ऐसा रुतबा मेरे हुसैन का है 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 मेरे हुसैन का है ऐसा रुतबा मेरे हुसैन का है ऐसा रुतबा मेरे हुसैन का है याद रखना कसीदा भी याद रखना आइंदा साले मजलिस चार मार्च नौ सी ऐसा रुतबा सॉरी सात मार्च ये तो लिखे भी अरबी चे आइंदा साल ये मजलिस सात मार्च नू होसी कितनी मार्च नू यह जी अज हो रही आइंदा साल मार्च की सात तारीख भी याद रखनी है कसीदा भी सुनना है मसलन ऐसा रुतबा मेरे हुसैन का है 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 जिसको कोई नबी भी पा न सका ऐसा रुतबा मेरे हुसैन का है जिसको कोई नबी भी पा न सका ऐसा रुतबा मेरे हुसैन का है अगले शेर बतौरे काफिया एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया सरापा 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 जिस्म नूं आदे तवज्जो करे इश्क दी नमाज बाजमात पढ़िए मसलन ऐसा रुतबा मेरे हुसैन का बोलना तुस ये राय विंड वाले दाद नहीं देनी मेरे हुसैन का है सुभान अल्लाह ऐसा रुतबा विलायत अली दी हवा घुल गई है हुसैन का है ऐसा रुतबा
तवज्जो शेर वास्ते भाई जान ऐसा रुतबा हाँ जी हुसैन का है जिसमें रिश्ता क्या है ममासलत क्या है इत्तिसाल क्या है शेर सुनना है कि नहीं भाई ऐसा रुतबा मेरे हुसैन का है ऐसा रुतबा मेरे हुसैन का है ऐसा रुतबा मेरे हुसैन का है अर्श जिसका तवाफ करता है अर्श जिसका तवाफ करता है वो मौला मेरे हुसैन का है ऐसा रुतबा मेरे हुसैन का है बड़ी मेहरबानी वो कुरान नु त्रियों घंटियां में खत्म करने वाले अकारिया चौधरी साहब रहंदे अब्बा जी फौत हो गए ना सवेरे सवेरे मैयत उत्थे पई कारी साहब दे बूहे ते आ गए कारी साहब अब्बे अरे भी मर गए ने कुरान भी खत्म कर छड़ो हुण जंग वाले बड़े सियाने हैं ना अज पिछे रह गए बाबा भी मर गया कुरान भी खत्म कराऊंगे पिछे बचिया की और कुराने नाते कली दा दामन छोड़ के कुराने सामत नु पढ़ के विचो कुछ ना हासिल करन वाले आ मौलविया ओ कारिया ते हफ्जा आओ मैं सैयदा मिंबर ते खलो के दसना चाहना हकीकत ए कुरान क्या है हकीकत ए कुरान क्या है हकीकत ए कुरान क्या है सर चाओ इश्क दी नमाज बाद जमात पढ़िए मसलन ऐसा रुतबा मेरे हुसैन का है ऐसा क्या बात है जनाब मेरे हुसैन का है सारे सुने मेरे हुसैन का है ये जो कुरान पाक पढ़ते हो कारी साहब ये जो कुरान पाक पढ़ते हो ये कशीदा मेरे हुसैन का है ऐसा रुतबा मेरे हुसैन का है ज्यादा पढ़ गया एक शेर में होर गुजारिश करना है लेकिन शेर दी परहेज भी है अजू खांसी लग जाए ना नजर बाहर तो डॉक्टर मनु सिरप देंदा खांसी दा कफ सिरप आ देना डॉक्टर आदा है कफ सिरप ही पी नाल परहेज भी दस खट्टी लस्सी ना पीवी बैठे हो के टुर गए अब सिरप दा फायदा ता है खट्टी लस्सी तुसी कोई नहीं ना सुने जी सवेरे नोतकी साहब पीती मैं उदी गल पे करना जी अजा आ दे ना डॉक्टर ऐ सिरप पई ए पी त्रै टाइम उन्हें पीती है सन चिरकी आई मैं भी पी लैनी आई लस्सी अल्लाह की नेमत आई ना ये भी नेमत उस नेमत का सदका जिसन विलायत अली आ दे सदके जावा तो जी विलायत अली दी सदके विच ने मतलब उन्होंने जफ्फे मारना है तो पीना है तो विलायत अली तो क्यों नस गया जितने नली नहीं बचता तेरा है मिंड जा साड़ी समझ निकल जाना आ रहा है सानू पढ़न दे अली नबी असी किसी मुला दे मोहताज नहीं विलायत अमीर अल मोमिनीन वास्ते सी फतवियां दे मोहताज नहीं जेड़ा फतवियां दी बुनियाद ती अली नबी ला पढ़े भी शिया नहीं आंदा ये अली नबी ला उस पर भी आ जदा फतवे भी कोई ना तो मुफ्ती भी कोई ना नारा है कुरान भरिया पिया ने पढ़ो हुण तो तर्जमे हो गए बच जाओ कबर च मुला ने आना अली आना ने कबर ना वजाई मुला दे आखे लग के मौला नू ना छोड़ी मौला अली फरमाया वो बाप छोड़ दो जो मेरी विलायत का मन करे तो मुला नू जफे भाई फिर ना रहे है दरी भाई जान शेर पेश करन लगा फतवा मेरा चल दई नहीं क्योंकि मैं मुफ्ती नहीं मैं तो चंगा वाला कीमती हाँ भाई रदा तुसी लफ्जा दे खूबसूरत महल तमीर करने वाले दा करो मेरा फतवा नहीं चलता ना मैं फतवे तू चलना जे सैयद नु फतवे दाबू कर लेवे सैयद ना होया मुन को टांगा होया मंगी किदा के जी 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 तवज्जो करे एहतियात मैं शेर दी दसन लगा आ जेड़ा फरमाया गया ना हम तुम्हारी शाहराग के करीब है वो अरबी में कोई नहीं होंगी तर्जमा होता है हम शहरब हम तुम्हारी शाहराग के मेरे छेवें इमाम कुल बंदा एक आया डरिया उसे कह या इमाम
ये कुरान इतदाद क्यों है? मौला फरमाया मसलन ये कलाम किद है? साईं फरमाया इस गल छड़। उसे कह जी अल्लाह का कलाम है तो तलाद क्यों है? मौला फरमाया मसलन। उसे कह जी कदी अल्लाह गल कर दे कि मैंने ये किया है, कदी आदा हमने ये किया है, ये मैं कौन है और हम कौन है? मासूम फरमाया जब मैं की बात होती है तो अल्लाह बोलता है, जब हम की बात होती है तो हम 14 बोलते हैं। हम तुम्हारी शारक के करीब हैं। तवज्जो करनी है, साढ़े इलाके कई साढ़े सुनी भाई जो आशका ने तौहीद फरजंदा ने तौहीद जो अल्लाह के इश्क सरशार हो गए त्या दिन सानू केले विचों अल्लाह नज़र आया, सानू अंबां विचों अल्लाह नज़र आया, सानू बेरां विचों अल्लाह नज़र आया, सानू हुसैन दे सजदे विचों अल्लाह नज़र आया। लो जी शेर मैं इस वास्ते थोड़ा वक्त लै जरा तकड़े होकर सुने। अबू तुराब दे नौकरे जरा तुराब नू नप के बवे मैं शेर पेश करना चाहना। मसलन ऐसा रुतबा मेरे हुसैन का है, उन्हें शेर पढ़ के मैं शजरे भी चेक करने हैं केड़े चेहरे का मतलब और नूर दे कहां छींटे पड़ रहे हैं, किस माथे थे विलायत अली का नूर साते हो रहा है। ऐसा रुतबा मेरे हुसैन, हाँ बिल्कुल दुश्मन सारे की क्या बात है। ना भाई तुम्हें शेर चंगा लगेगा क्योंकि तुम्हारे जहन की जमीन चंगी है, जमीन चंगी हो फसल चंगी आती है, दिल भी चली हो नसल चंगी आती है। बलोच बैठे हो ऐसा रुतबा मेरे हुसैन बड़ी शेर ऐसा रुतबा अच्छा हुसैन का है जिसमें अल्लाह दिखाई देता है, जिसमें अल्लाह दिखाई देता है, बस वो चेहरा मेरे हुसैन का है। ऐसा रुतबा मेरे हुसैन का है। काफ़ी पढ़ गया, मैनू वक्त का भी एहसास है, पढ़न वाले काफ़ी हैं तो मेरी हाजिरी भी हो गई, लेकिन मैं इस बार मिंबर पाक ते खड़ा होके बहसीयत सैयद बहसीयत जाकिर अपने मोहतरम सामईने की खिदमत गलाफ रखना है कि शिया है तो शिया रहना चाहना है तो विलायत अली तो मनफी गुफ्तगू ना करी। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत के बारे च गलत ना सोची, अगर तनु कोई परेशानी बानी मंजे तेरा ध्यान आ जाए मैं सोचा तो फिर इतना सोच अली दा खर्चा कितना होना है। अपने घर च बह के यार वस्तियां घर च बहो धियां ते पुत्रां दे विच बह के इतना सोची जड़ी 28 रजब नू टुरी ओ धी कहंदी आई, जिन्हां नू मुसलमाना हज नहीं पढ़न दिता औलाद कहंदी आई, दो मुहर्रम नू करबला दे चटियल मैदान जिन्हां दे खैमे लगे न औलाद कहती है, सतवीं नू जिन्हां दा पानी बंद होया क्या साकी है कौसर दियां दियां ना मैं कुर्बान हो पवां, ते दा मुहर्रम नू जिंदे सीने च बरछी लगी है पोतरा कहता, जिंदे दुर लुटे गए वह पोतरी कहती है, जिहड़ा भजदे घोड़े तो मुँह दे बाहर जमीन ते डटा है वह पोत्र कहता, रो या ना रो तेरी मुकद्दर दी बात है, इतना सोची जिहड़ी 36 शहरां चों चादर मंगदी गई वह धी कहती है कोई थोड़ा जिहा नुकसान है राहुल हुसैन कोई थोड़ा जहा नुकसान है मेरे मौला अली दा, वतन छुट गया अली दी औलाद करूं, धियां रुल गई अली दियां, पुत्र दिबा हो गए अली दे, पोतरियां रुल गई अली दी, ओ जदी शाम मुसाफर ने कब्रस्तान च कबर है ओ पोतरी कहंदी, ओ जदी शाम च कबर है ओ धी कहंदी है, अली दियां धियां दियां कबरां नहीं रलियां, तू सोचना किथे लिखे अली वलीउल्लाह। मौला अली दे एहसान याद किया कर, तेरे तक वलायत पहुंचाने वास्ते अली दी धी नूं शाम तक जमना पिया, तेरिया ते मेरिया टुटिया भजिया नमाजा वास्ते धी अली दी शाम नहीं गई, अपने बाबे अली दी विलायत वास्ते शाम गई है, शामी नमाजा पढ़ते हैं विलायत अली नहीं मनते। करबला विच दो अजाना हुई, एक शिमर दिती है एक अकबर दिती है, फर्क दस, जड़ी शिमर दिती है वे अली अन वलीउल्लाह कोई ना, जड़ी अकबर दिती है वे अली अन वलीउल्लाह अली अन वलीउल्लाह। शाम तक विलायत अली दे तकाजे पूरे किए गए। आप ढेर सारे मोमन बैठे हो, तुम जाकर गर लोग हो, जरा एक मैंने गल दसो का करबला के शहीद कितने ने?
72 मुतफिका रवायत भाई गुलाम रजा जिंदगी होगी 72 शहीद करबला दे सैयद आश मिंबर की अजमत की कसम है हर शहीद घोड़े तो खलत है अपनी मर्जी नाल जो नहीं लते हर शहीद भाई नजर बास घोड़े तो खलत है कोई तीर झलके कोई तलवार झलके कोई नेजा झलके कोई पत्थर झलके कोई खंजर झलके कोई गुरु झलके लथा हर शहीद औखा है ओ गाजी दे मुरीदों सर चौत बैन करिए लथा हर शहीद औखा है मगर जेड़ा सब तू औखा लथा है उम्मुल बनीन दा पुत्र अब्बा शाला किसे दा मान परदेस च ना मुक जाए जेड़ा सब तू औखा लथा है ओ मेरी सैन उम्मुल बनीन दा पुत्र अब्बा से गुलाम रजा जी 1400 साल पहले मैदान करबला विच अली दा पुत्र लथा है मैं अज पढ़िया तुस हाय कीती है किसे मातम कीता है जुमला मैं हुण पढ़न लगा दा मुहर्रम नू अब्बास औखा लथा है यारा मुहर्रम नू अली दी धी औखी लथी सदके जावा दा मुहर्रम नू अब्बास औखा लथा है यारा मुहर्रम नू अली दी धी औखी लथी है मैं बिस्मिल्ला करा इंज लथी है जिवें अब्बास बगैर बालुए दे उठता कद ज्यादा होता है मोमिन प्यादा उठता कद ज्यादा होता है उठते हो चढ़िए जे उठते चढ़ी कदी नहीं खुदा दी कसम उलमा ने लिखे उठ दिया गोडियां अजे जमीन ते नहीं आई अकबर दी फुफी ले आई इतना ही मैं छोड़ दे सर लथा बासी औखा है मगर अली दी धी दा औखा लाना मेरे बुजुर्ग लिखे ओ लिखते लथी ज़ैनब अदल दी